हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे एक ऐसे जानवर की जो घोड़े और गधे के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और हर एक जीव की अपनी एक अनोखी खासियत होती है। कोई अपने शरीर के लिए पहचाना जाता है तो कोई अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में आप जंगल के एक ऐसे विचित्र जानवर जीब्रा से जुड़ी रोचक जानकारी जानेंगे और साथ ही आश्चर्यजनक तथ्य से भी रूबरू होंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जेब्रा घोड़े जैसा दिखने वाला जानवर है। इसके शरीर में सफेद एवं काली धारियां मौजूद होती है। प्रत्येक जेब्रा पर अलग अलग तरह की धारियां होती है। इसी के साथ यह जानवर हमलावर भी होते हैं, जिस कारण इन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता। इनकी औसतन आयु 25 वर्ष होती है। यह शाकाहारी होते हैं क्योंकि यह सिर्फ हरी घास और पत्ते खाते हैं। इनका वजन लगभग 500 किलो तक हो सकता है। यह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। जेब्रा हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनकी अधिकतम लंबाई 8 फीट और ऊंचाई 5 फीट होती है। जेब्रा की सुनने और देखने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। यह हमेशा जिग जैग मोशन में भागते हैं, जिससे कि यह शिकारी को चकमा दे देते हैं। पृथ्वी पर जेब्रा की अब तक 3 प्रजातियां पाई जाती है। जेब्रा खड़े खड़े ही सो जाते हैं। उनकी चमड़ी की परत ही उन्हें 70% गर्मी से बचाती है। जेब्रा अपनी धारियों का इस्तेमाल घास में छुपने के लिए करते हैं। आज के समय में यह प्रजाति लुप्त होने के कगार पर खड़ी है। जेब्रा की आंखें उनके सिर के किनारे में होती हैं, ताकि वे शिकारियों को बेहतर तरीके से देख सके। उनके पास बेहतरीन दृष्टि और उनके सुनने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। जेब्रा बहुत ही सामाजिक हैं। वे समूहों में रहते हैं। जेब्रा के समूहों को हरम कहा जाता है। जेब्रा हर्बिवोर्स हैं। वे पौधों, पत्तियों, जड़ी बूटी, टहनी और विभिन्न प्रकार के घास खाते हैं। वे भौंकने, छेड़छाड़ करने या फुसफुसाते हुए संवाद करते हैं। जेब्रा पैदा होते ही चल सकते हैं। वो पैदा होने के बाद 1 साल तक दूध पीते हैं। उनकी माँ उनका अच्छी तरह से ख्याल रखती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।